नमस्ते ऑनरेबल पीएम सर, मैं आशा केकतपुरे बैंगलोर से। मेरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों को गुड वैल्यू सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? धन्यवाद। मुझे एक सवाल जो आया है वो नमो ऐप पर आया है। उसका विजुअल मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे वो सवाल अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ज़रूर आपसे शेयर करूं। पटना से सवाल है, प्रवीण कुमार ने पूछा है। सर, आज माँ बाप के लिए बच्चे बड़े करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कारण है, आज का जमाना और आज के बच्चे, ऐसे में हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का व्यवहार, आदतें और चरित्र अच्छा हो। प्रवीण कुमार एक जागरूक पिता के रूप में शायद मुझे पूछ रहे हैं। बड़ा कठिन सवाल है मेरे लिए। मैं कहूंगा कि पहले तो आप स्वयं चिंतन करें, आत्मचिंतन करें। क्या ऐसा तो नहीं है कि जीवन जीने का जो तरीका आपने चुना है, आप चाहते हैं वैसे ही जिंदगी आपके बच्चे भी जिए और थोड़ा सा भी उनमें बदलाव आता है तो आपको लगता है कि पतन हो रहा है, वैल्यूज का ह्रास हो रहा है। मुझे बराबर याद है, एक बार मैं स्टार्टअप से जुड़े हुए नौजवानों से मैंने एक समारोह किया, तो बंगाल की एक बेटी जिसने स्टार्टअप शुरू किया है अपनी पूरी कैरियर छोड़ करके, तो उसने अपना अनुभव बताया, वो मुझे हमेशा याद रहता है। उस बेटी ने कहा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कैरियर छोड़ दी और स्टार्टअप शुरू किया, और मेरी माँ को जब पता चला तो मेरी माँ ने तुरंत कहा सर्वनाश। यानी इतना माँ को झटका लगा, लेकिन बाद में वो बेटी स्टार्टअप में बहुत सफल रही थी। आपको सोचना चाहिए कि आप अपने भाव विश्व में अपने बच्चों को जकड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आपका परिवार, आपकी परंपराएं, उसमें मूलभूत मूल्यों को कैसे जोड़ दें, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये हमारे शास्त्रों में मूल्य के रूप में है। लेकिन आपके घर में पूजा पाठ तो बहुत होती है, दुनिया को दिखता है कि आप बहुत धार्मिक हैं, रिचुअल से भरा जीवन है, लेकिन आप जनसेवा में कहीं नजर नहीं आते हैं। अब जब आपकी संतान यह विरोधाभास देखती हैं, तो उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, सवाल खड़े हो जाते हैं, और सवाल उठना स्वाभाविक में है। उसी प्रकार से भी हमारे मूल्य हैं कि जीव मात्र से परमात्मा का वास है, उसी प्रकार से हम सबकी मान्यता है और हमें यह सिखाया गया है, हमारे जीवन मूल्य के रूप में प्रस्थापित हो चुका है, और हमारी सोच है कि जीव मात्र में परमात्मा का वास है। लेकिन आपके घर में जो काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा लगाने आते हैं, लिफ्ट चलाने वाला होता है, आपको स्कूल में छोड़ने वाला ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, क्या कभी आपने उनसे उनके सुख दुख की चिंता और चर्चा की है? क्या कभी आपने पूछा वे आपके परिवार में तो किसी को कोरोना नहीं हुआ है ना, आपके परिवार के तो सब सुखी है ना, आप जिस गांव से आए हो उस गांव में तो सब ठीक है ना, क्या आपने कभी पूछा है? अगर आप ऐसा करते तो आपको अपने बच्चे को मूल्य नहीं सिखाने पड़ते। मैं आप पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, एक सामान्य व्यवहार की बात कर रहा। कुछ लोग वाकई ऐसा नहीं करते। बच्चे का बर्थडे होता है, बहुत सारी तैयारियां होती हैं, कितने लोग अपने घर में काम करने वालों से कहते हैं कि जो भी काम करना है 5 बजे तक पूरा कर दो, 6
6 बजे जब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे तब तुम भी हमारे परिवार के मेहमान के रूप में कपड़े पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके परिवार के सबको लेकर के आ जाना। आप देखिए आप उनसे क्या कहते हैं, आज घर में बहुत से मेहमान जाने वाले हैं, देर तक रुकना पड़ेगा। आप ऐसा कहने के बजाय क्या कहते हैं, देखो कल बहुत मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है, तुम घर बता के आ जाना, देर से आऊंगा, देर से आऊंगी। यानी आपका बच्चा देख रहा है कि इतना बड़ा उत्सव है घर में, लेकिन वो जो मेरे लिए मेहनत करते हैं दिन रात, वो तो इसमें हिस्सेदारी नहीं है। और तभी उस बच्चे के मन में टकराव शुरू होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। हम कहते हैं बेटा बेटी एक समान, ये मूल्य है हमारे। हमारे यहां देव रूप की जो कल्पना की गई है उसमें स्त्री भगवान का उतना ही महत्व है, लेकिन हमारे घर के वातावरण में बेटे और बेटी के बीच जाने अनजाने में जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें असमानता होती है। उसके बाद जब वही बेटा समाज जीवन में जाता है तो उसके द्वारा नारी समानता में कुछ न कुछ कमी की संभावना बढ़ ही जाती है। ये सही है कि परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं तो बुराइयां हावी नहीं होती है, लेकिन 19-20 का ही फर्क होता है। बेटा बेटे के व्यवहार में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसलिए हमने जो अपना भाव विश्व बनाया हुआ है वो जब व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तब बच्चों के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। इसलिए मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास न करें, मूल्यों को जीकर प्रेरित करने का प्रयास करें। आखिरकार बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, जो आप कहेंगे उसे वो करेंगे या नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो आप कर रहे हैं वो उसे बहुत बारीकी से देखता है और दोहराने के लिए लालायित हो जाता है। और जब आप इन मूल्यों के साथ हमारे इतिहास, हमारे पुराण, हमारे पुरखों की छोटी छोटी बातों को सहजता से जोड़ेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे, आचार व्यवहार में उतरना आसान हो जाएगा।